फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज किसान भाइयों, थीमेल आपने देखा होगा और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि एक बंदा यहां पे मेरे को मिला था और इसने एक बंदे ने एक महीने में 80 से 90 हजार रुपए, यानी एक महीने में 90 हजार रुपए, 80 से 90 हजार रुपए कुछ महीने रखता है एक महीने में ऑनलाइन, मतलब जो है वेबसाइट से कमाया है। और इसने वेबसाइट कब बनाई थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं कैसा बंदा है ये बंदा, सही से अभी किसानी है ये, ठीक है। पहले ये किसानी करता था और किसानी के बाद में इसके विचार, इसका जो विचार है वो आया कि मैं एक वेबसाइट बनाऊं और वेबसाइट बनाकर काफी सारा पैसा कमाऊं। तो इसने काफी सारी वेबसाइटें बनाई बट वो मोनेटाइज नहीं हुई, ठीक है। फिर इसने वो वेबसाइट को छोड़ दिया, यानी छोड़ क्या दिया, उस पर काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। एडसन के लिए अप्रूवल कर दिया था इसने और अप्रूवल करने के बाद में इसने बिल्कुल बंद कर दिया उसके लिए। उसके बाद में ये क्या देखता है, एक या डेढ़ महीने के बाद इसकी वेबसाइट पे इतने व्यूज आ गए कि इसको इतना पैसा एकदम मिल गया, तो ये खुशी से पागल हो गया और इसने मेरे पास फोन किया। तो हम इससे बात करते हैं, इसका नाम पूछते हैं और ग्राम यानी कौन से गांव से है ये और पहले क्या करता था, मतलब पहले क्या करता था इससे पहले। तो ये पहली बारी जो है आपकी सोशल मीडिया है, मतलब हमारा जो ब्लॉग है वहां से आए हैं। लोग कहते हैं ना ब्लॉग पे मत आओ, ब्लॉग पे वेबसाइट मत बनाओ, वर्डप्रेस पे बनाओ। तो ब्लॉग यानी इस बंदे ने ब्लॉग पे ही बनाई थी, एक रुपए भी नहीं खरीदा यहाँ पे खर्च किया है इसने। और जो वेबसाइट का नाम है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या नाम है, वहां पे डोमेन नेम भी नहीं खरीदा है, होस्टिंग भी नहीं खरीदी है, यहाँ तक लगाइए आप, कुछ भी नहीं खरीदा है, फिर भी इसने इतना सारा पैसा कमा लिया। कैसे कमाया है आओ इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। इनका मोहम्मद आसिम नाम है। अच्छा, कैसे आपके ये आइडिया कैसे आया था आपके लिए? कि मेरी सिस्टर ने दिया। तो आपकी सिस्टर ने आइडिया दिया था, मतलब सिस्टर ने क्या बोला था? बोला कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट लिंक करें और उससे कमाई हो सकती है। कमाई हो सकती है, तो उसके बाद में मतलब कमाई कैसे कमाई कर सकते हैं, मतलब ब्लॉग बनाया आपने जी। ब्लॉग बनाने के बाद में उसमें कितनी पोस्टें डाली? मुश्किल से 5-6। 5-6 पोस्टें, देखिए आपके सामने 5-6 पोस्टें। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इसकी वेबसाइट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे एड भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और इन्होंने पैसे भी वहां पे कमाए, तो आप क्यों नहीं कमा सकते पैसे? आप भी वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग पे बनाइए, और ब्लॉग पे वेबसाइट बनाने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए इस बंदे ने एक महीने में 80 हजार रुपए कुछ मायने रखते हैं, 80-90 हजार रुपए, यानी इसके कम से कम 1100-1200 डॉलर आए होंगे एक महीने में। 1100-1200 डॉलर आप लगाते हैं ना, कितना मायने रखता है 1100-1200 जो डॉलर है। तो देखिए इस बंदे ने कमाए हैं और ये खेती भी करता है। खेती भी करते हो क्या? मैं किसानी करता हूँ। किसानी में क्या क्या, मतलब खेती में क्या क्या करते हो? गेहूं धान और गन्ना उन्ना भी नहीं करते क्या? रवि की फसलें ये करते हैं। देखिए और फसलों के साथ साथ इन्होंने वेबसाइट भी बना ली और वेबसाइट पे इतना सारा पैसा कमाया, तो आप भी कर सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। अगर आपसे बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ब्लॉग कैसे बनाना है और कैसे उस पे जो पोस्टें डालना है, और आप वहां पे काफी सारा जो पैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने जब अर्निंग किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों देखिए इनसे मिले, इनका नाम मोहम्मद आसिम है और ये मीडिया मतलब जो कैमरा है उसके सामने बोलने से थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे हिचकिचा रहा है, क्योंकि ये कैमरे के सामने आते नहीं है, बैस पोस्ट लिखते हैं। और किसान बंदा है ये, किसान देखिए आपको लग भी रहा होगा किसान बंदा है ये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको भी ब्लॉग बनाना है और आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको ब्लॉग बनाना है और किस प्रकार से जो है आपको भी अर्निंग यहाँ पे होगी। और अगर आपको एक्शन अप्रूवल नहीं देता है तो 5-10 दिन में ही आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट पे ऐड आने लगेंगे। अगर नहीं आते हैं और नहीं आपको पता है और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो इनकी वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, मात्र 5 पोस्टें हैं इनकी वेबसाइट पे बनी हुई, 5 पोस्टें, और 5 पोस्टों के बाद में इनकी वेबसाइट पे ऐड भी आ रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, इनका जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिए कि वेबसाइट पे लिंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।